अजमेर के जेलन मेडिकल कॉलेज में आयोजित किए जा रहे वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय के चल रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन शनिवार को किया गया। जेलन मेडिकल कॉलेज में आयोजित वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना व्यवसाय की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष ने जानकारी देकर बताया कि वरिष्ठ पुस्तकालय में सूचना व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2023 में किया गया था, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित करवाया गया था। 2022 में बहुत अच्छा कार्य करने वाले वरिष्ठ अध्यक्ष का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। इसी के चलते कई शहरों में उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जा रही है, जिसमें सभी सेवानिवृत्ति वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष को एक मंच पर लाया जा सके। इस मंच का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति पुस्तकालय के अध्यक्षों का खास ध्यान रखना है। मेरा नाम डॉक्टर आरपी कुमार है। मैं वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष हूँ। हमने ये संघ की स्थापना 2023 में फरवरी के मंथ में रजिस्टर्ड करवाई और उसके बाद हम पुस्तकालय अध्यक्ष और पाठकों को पढ़ने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जो हमारा दो दिवस का एसलिप कंक्लेव 2023 जेएलएन सभागार में हो रहा, अजमेर में हो रहा है, इसका विशेष उद्देश्य ये है कि पुस्तकालय अध्यक्षों को टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी के संबंध में बताना। इस विषय के लिए हमने दूर दूर से लोग बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, महाराष्ट्र वगैरह से आए हैं। 50 के लगभग पेपर एक किताब में पब्लिश हुए हैं। इसमें 100 से ज़्यादा पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसमें वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष भी हैं और यंग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पुस्तकालय में तकनीकी विज्ञान का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत ढंग से हो रहा है या ठीक ढंग से हो रहा है, उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ। इसका उद्घाटन कल श्री पारसमल जांगी जी ने किया, जो अजमेर जेल के पुलिस अधीक्षक हैं। और आज इसका समापन हुआ, जिसमें वेद माथुर जी मुख्य अतिथि थे। इस विशेष कार्यक्रम में जिन्होंने अच्छा पेपर लिखा, अच्छा कार्यक्रम किया, उनको पुरस्कृत भी किया गया। और इस समागम की विशेषता ये है कि मोदी जी ने 24 सितंबर को 2023 को जो वुमेन आरक्षण बिल पास किया, उस संबंध में एसलिप ने, पुस्तकालय संघ ने एक अग्रणी सराहनीय कार्य किया। पहले तो इनको अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया, नॉमिनेट किया, और आज जो एक पैनल डिस्कशन हुआ, उसकी विशेषता ये है, उस वुमेन आरक्षण बिल को ध्यान में रखते हुए, नारी शक्ति को देखते हुए एक पैनल डिस्कशन हुआ। वुमेन या नारी शक्ति का पुस्तकालय के आंदोलन में क्या सहयोग है, जिसके 8 प्रतिनिधि हैं, जिसमें 6 पैनलिस्ट हैं जो नारी महिलाएं हैं, और इसका कोऑर्डिनेटर भी एक महिला है और इसकी रिपोर्टिंग भी एक महिला कर रही है। ये इस समागम का एक विशेष पार्ट है, जिसमें हमने नारी शक्ति को, राजस्थान की नारी शक्ति को देखते हुए, कैसे वो जौहर करती थी देखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ किया। मेरा नाम डॉक्टर आरपी कुमार, मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष रिटायर हुआ हूँ, और आजकल ये मैं सोशल कार्य कर रहा हूँ। और ये जो हमारा वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना व्यावसायिक संघ है, उसका मैं प्रधान हूँ।